बहादुरगढ़ में छोटे भाई ने बड़े भाई व उसके परिवार समेत एक पड़ोसी को मारी गोली। जी हां दोस्तों, बहादुरगढ़ से एक बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। बहादुरगढ़ के लाइन पार्क की वत्स कॉलोनी में अपने बड़े भाई व उसके परिवार पर गोलियां बरसाने वाले आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बड़े भाई की मौत हो गई थी जबकि उसकी पत्नी, पुत्र व पड़ोसी घायल हुए थे, जिनका उपचार शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि देर रात लाइन पार में साईं मंदिर वाली गली में बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर विजय ने अपने बड़े भाई राजेंद्र पर गोलियां बरसा दी, जिसमें करीब 54 वर्षीय राजेंद्र की मौत हो गई जबकि उसकी पत्नी रतन कुमारी, पुत्र अमित और बीच बचाव करने आए पड़ोसी कुलदीप घायल हो गए। मृतक राजेंद्र के शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि विजय का अपने भाई राजेंद्र के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। आए दिन वह राजेंद्र के घर पर जाकर हमला करता था। बीती रात भी वह शराब के नशे में राजेंद्र के घर पहुँचा और झगड़ा करने लगा। बीच बचाव के लिए आए पड़ोसी भी वहां पर पहुंच गए। इतने में ही तैश में आकर आरोपी विजय ने रिवॉल्वर निकाल ली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें राजेंद्र की मौत हो गई और राजेंद्र की पत्नी, दो बेटे व पड़ोसी घायल हो गए। राजेंद्र के शव का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल में करवाया गया। करीब 11 बजे के दौरान एक घटना नोटिस आई थी, जिसमें रिपोर्ट किया गया था कि एक आदमी ने अपने ही भाई के परिवार को, अपने भाई के समेत 3 लोगों और भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी है। जो तफ्तीश शुरू की गई, मौके पर पुलिस पहुंची तो पाया गया कि एक जो इनको 3 गोली लगी थी उनके भाई को राजेंद्र, उनकी मृत्यु हो गई, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। इसके अलावा उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा और एक पड़ोसी जिनको गोली लगी थी उनको हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराया गया। तो तीनों अभी स्टेबल कंडीशन में है, मगर मृतक जो है, सुनने में आया है कि दोनों भाइयों का किसी ज़मीन के विवाद के संबंध में लड़ाई झगड़ा हुआ था। और जो आरोपी है, आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से शराब के नशे में अपने परिवार, जो भाई का परिवार है, उसको गोली मार के तय कर दी। तो रात ही इसको राउंड अप कर लिया गया था और आज इनकी गिरफ्तारी डाल के इसमें मुकदमे में आगामी कार्रवाई की जा रही है। बारे में सारे पक्ष और जो पहलू हैं कि घटना का कारण क्या था, सिंपली ये शराब पी के आवेश में आने की घटना है या उससे पहले कोई इनके बीच में कहा सुनी और या कोई परिवार या जायदाद का झगड़ा है, इसके बारे में अभी साक्ष्य फाइल पर लाए जाने आवश्यक है।